हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी ना मैं ही पार्लर अपने थोड़े बाल और आईब्रो सेट कराने के लिए रेडी होने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं पार्लर से वापस आ गई हूँ। जैवी भी उठ गया, उठने के बाद मैंने उसे दूध पिलाया, मैंने जल्दी से खाना खाया एंड जैवी के कपड़े प्रेस करे हैं। मैंने उसको जल्दी से अब लेके आती हूँ। बाथटब में अपना इन्जॉय कर रहा था, वो नहला दिया है, फ्रेश भी हो गया है वो बिल्कुल। तो अब ना मैं जल्दी से अपना आउटफिट निकालती हूँ, प्रेस करती हूँ, फिर जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम। मैंने सोचा था ना आज अपना पूरा मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट है। साथ ही साथ ना मैंने खाना खाया, दाल चावल रोटी, रोटी नहीं खाई मैंने, थोड़ी सी दाल चावल खा पाई। इंजॉय टाइम हो गया वो, तो हम चले, हम लेट हो रहे हैं बाबा। ये देखो जी ना, इससे बाहर आने को रेडी नहीं होता। चलो टीटी टीटी चलो। जहाँ मैंने अपना आउटफिट भी ना प्रेस कर लिया है, बस अभी ना जब इसको पहनूंगी तब आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं रेडी हो गई थी, ये रहा मेरा आज का आउटफिट एंड जल्दी जल्दी में ना अभी मैं बस इतना ही रेडी हो पाई हूँ एंड आपको सेवी को भी दिखाती हूँ। सबसे पहले ना मुझे उसे तैयार करना पड़ा। देखो फ्रेंड्स, सेवी भी रेडी हो गया है अपने चाचू की एंगेजमेंट में जाने के लिए। हाँ, रेडी हो गया अख्तर का आउटफिट आज का, ये जेवू का आउटफिट। चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग निकल गए थे एंड ये देखो जेवी आराम से बैठ के इंजॉय कर रहा है। बाकी विराग पर अख्तर का ब्रदर, अभी हम लोग रुके थे, ये बड़ा अच्छा सा स्पॉट है, तो यहाँ पे हमें रील्स बनाने थी, फोटोज क्लिक करना थी, तो हमने कर ली है। अभी हम लोग वापस जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी ना मैं वापस आ गई हूँ जेवी के पास, है ना। अब मैंने अकबर भाई को भी लगा दी। तो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग को पता नहीं एक दो घंटे और लग जाएंगे, हम जा रहे हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ में ना शाहरुख भाई की आज इंगेजमेंट है उसके लिए, तो बड़ा मज़ा आने वाला है आज। सो फ्रेंड्स, मुझे तो लगा था ना जेवी बड़ा ही तंग करेगा, परेशान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो अच्छे से बैठा हुआ है एंड खेल रहा है अपना। सो फ्रेंड्स, आज मौसम भी ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड सी, ये रहे मेरे आज के बैंगल्स, थोड़े से हैवी हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पहना, ज़्यादा नहीं ओवर डू करा एंड बड़ा सोवर सोवर से तैयार होने की कोशिश करी, लेकिन हर बार थोड़ा ओवर हो ही जाता है बिकॉज यू हमेशा ना ओवर ड्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन कभी भी आपको अंडर ड्रेस्ड नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है पर्सनली। तो अब जल्दी से ना चलेंगे हम लोग एंड फिर देखते हैं क्या क्या होगा, कितना मज़ा आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। सो फ्रेंड्स, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पर। जेवी बेबी भी शो के उठ गई है, चलो अभी चलते हैं अपना। सो फ्रेंड्स, यहाँ ना हम लोग अंदर हॉल में आ गए थे। आने के बाद ये हमें सर्व हुई हमारी वेलकम ड्रिंक एंड यहाँ पर ना नाश्ते के काउंटर्स थे, चाट वगैरह के, तो हमने यहाँ पर नाश्ता करा एंड उसके बाद ना सब चले गए वापस रेडी होने के लिए रूम में। तो यहाँ पर ना जेवी खेल रहा है अपना एंड बाकी सारी लेडीज जितने भी हम लोग आए थे वो सब अपना मेकअप कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, दूसरे की हेल्प कर रहे थे। फाइनली हम लोग सब रेडी हो गए। एक छोटी सी बच्ची जिसको उसकी मम्मा मेरे भरोसे छोड़ के गई है और ये मेरा बच्चा। हाँ, एक परेशान ना कर। जी ओ जो 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 ऐसे आप लेके खा लो, खा लो आप, ये पहले मांगे। हाँ देखो, सारे बच्चे बैठे हैं, सबके साथ बैठे हैं, देखो बच्चे पहले ही रोने लगे।
खा लो, खोल दो कैरी, क्रीम खाने उसे। अच्छा बातें कर लो यार, जयबू को इतने सारे फ्रेंड्स मिले अपने, क्यों जयबू इतने सारे फ्रेंड्स मिले बाबा को? यहाँ तो बिग बॉय लग रहा था अभी छोटे बेबी के आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना सारे जितने गेस्ट हम लोग आए थे वो सब लोग हैं नीचे, एंड मैंने ऊपर से शूट करी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हल्ला एंड ये लोग ना पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, तो सभी रोने लगा उस डर से, एंड डीजे की आवाज़ से भी वो रो रहा था, तो मैं ऊपर ही रही एंड यहाँ से मैंने इंजॉय करा, शूट करा एंड सब लोग ने दोबारा से ये सब लोग डांस करते करते इंजॉय करते करते सारा सामान लेकर आए एंड बड़ा मज़ा आ रहा था। आज चल 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 अब वो चुप हुए हैं सही से, खेलने के मूड में अब आए हैं। आओ चल पानी पिला दो, तुम पिला दो पी लेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम लोग सब आ गए हैं डिनर के लिए एंड यहाँ पर ना अभी खाना खाएं क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, इतना लेट हो गया, लेकिन ठीक है यहाँ ना बस हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे सर्विंग के लिए एंड बस जाके ना अपना खाना इंजॉय करते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना है। सो फ्रेंड्स यहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी जो है वो शुरू होने वाली है।
एंगेजमेंट हो गई थी, हमारे सभी सेशंस भी हो गए थे, मेरे हाना केक कटिंग होने वाली, बहुत ही प्यारा केक लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग इज डन। ऊपर ना एंगेजमेंट का प्रोसीजर चल रहा है लेकिन ऑलरेडी ना रात के 1 बज गया है और रुकना तो मतलब घर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ना अब हमें निकलना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज हो गया ना नेक्स्ट डे एंड अभी ना मैं खा रही थी मोमोज एंड रवि की दादी आ गई तो रवि उनके साथ इंजॉय कर रहे थे। सो फ्रेंड्स अभी ना शाहरुख बनाए थे अपने एंगेजमेंट का गिफ्ट देने के लिए एंड ये बहुत ही प्यारा सब्सक्राइब मिला है गिफ्ट में।